मुस्लिम लीग नून के लिए नई मुश्किल। लाहौर हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत को शहबाज शरीफ, आहा चीमा और दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने अहद चीमा की दरख्वास्त जमानत का 16 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करके रेफरेंस का फैसला सुनाए। फैसले में कहा गया है कि अहद चीमा की जमानत से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगा। रिकॉर्ड के मुताबिक अहद चीमा और दीगर ने फवायद हासिल करने के लिए एक दूसरे को सहूलत फराहम की। अहद चीमा के किए गए इकदाम अवामी मफाद में नहीं थे। तहरीरी फैसले में कहा गया कि व्हाइट कॉलर क्राइम पूरे माशरे को मुतासिर करते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम अहद चीमा ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शरीक मुलजिम शाहिद शफीक को कॉन्ट्रैक्ट दिया। मुलजिम उस वक्त जमानत का हकदार होता है जब रिकॉर्ड और मुलजिम के किए गए एक्ट का आपस में तजाद हो। अहद चीमा जमानत के हकदार नहीं है।